HM पब्लिक स्कूल लोअर चुटिया नियर शिव मंदिर रांची, हम बनाते हैं बेहतर भविष्य। नौ निहालों को शिक्षा की राह दिखाते हैं हम। HM प्ले स्कूल रोड नंबर 13 द्वारिकापुरी लोअर चुटिया रांची। वंदे भारत ट्रेन के ट्रैक से रेलगाड़ी में यात्रा करने वाले लोग काफी खुश है। रांची हजारीबाग और कोडरमा से पटना जाने वाले यात्रियों ने नई रेलगाड़ी के साथ नए रेल रूट का भी स्वागत किया है। केंद्र सरकार की कोशिशों की यात्रियों ने जमकर प्रशंसा की। नेतृत्व में और उनके प्रयास से और हजारीबाग के सांसद पूर्व वित्त मंत्री श्री जयंत सिन्हा जी और हमारे भारत सरकार में शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी के प्रयास से आज इस ट्रेन का आवागमन शुरू हुआ है। और कोडरमा की जनता के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। मुझको याद है कि 2000 के बाद पहली बार हजारीबाग कोडरमा हजारीबाग होते हुए रांची और कोटरमा से दुमका तक रेलवे लाइन गिरिडीह का इसका अगर नींव डाले थे अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में श्री जसवंत सिन्हा जी, बाबूलाल मरांडी जी और नीतीश कुमार जी उस समय मंत्री थे। आज उनका प्रयास से आज कोटरमा रेल के नक्शे में पूरे हिंदुस्तान में एक इम्पॉर्टेंट जगह आ गया है। आज कोटरमा को जितने भी लोग गुजरेंगे कोटरमा कोई भुला नहीं सकता। आज का दिन और इसलिए महत्वपूर्ण हो गया कि कोटरमा से रांची जाने में हम 3-4 घंटे के अंदर रांची पहुँचेंगे। व्यापारी जो है जो काम करता है सरकारी लोग भी सुबह जाएंगे 1 बजे काम करके उधर से भी लौट सकते हैं। ये बहुत बड़ी सुविधा कोटरमा के लोगों को होगा। और रेल के मामले में सही रूप से नरेंद्र मोदी जी ने कोटरमा के साथ साथ पूरे देश में रेलवे का जिस तरह से विस्तार किया है वो भारत के लिए बहुत ही अच्छा। आधुनिक सुविधाओं से लैस यह बहुत ही सुंदर ट्रेन है और यहाँ से रांची का आवागमन जनता के लिए बहुत लोकप्रिय और सुंदर रहेगा। मनभावन दृश्यों को तिलैया डैम झरना देखते हुए लोग जाएंगे और बहुत ही सुंदर ट्रेन माननीय मोदी जी के प्रयास से कोडरमा जिले को मिला है। इसके लिए हम पूरे जनता की ओर से उनको धन्यवाद देते हैं। और बहुत कितना फायदा होगा कोडरमा के सभी यात्रियों के लिए बहुत सुविधा होगी। रांची जाने और आने के लिए समय की भी बचत होगी और मनोहर वादियों से ट्रेन गुजरेगा। लोग जंगल और शानदार वातावरण का लुत्फ भी उठाएंगे। इस ट्रेन को लेकर के बहुत खुश है हम लोग। बताइए इस ट्रेन को लेकर के बहुत खुश है। झारखंड वासी के लिए खास करके हजारीबाग के लिए ये पटना टू रांची जो ट्रेन आज से प्रचालन हुई ये यहाँ के जनता के लिए एक तरह से समझिए कि एक सौगात है भविष्य के लिए। आज के डेट में ट्रेन को बहुत अच्छी सुविधा है और स्टॉपेज भी बहुत कम है तो आदमी आराम से पटना और रांची का आवागमन इजली रूप में कर सकता है। इस ट्रेन को देख करके हम लोग बहुत खुश हैं। कोडरमा जिला के लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे कोडरमा स्टेशन में भी स्टॉपेज इस ट्रेन का है। मिनी लंदन मैकलुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ
संघर्ष की दास्तान।